हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज 1 जुलाई को दोस्तों नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। इसको मनाने का एक ही मकसद है कि जो डॉक्टर्स ने इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको हम लोग ऑनर कर सकें। दोस्तों 1 जुलाई को हमारे लीजेंडरी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी का जन्म भी हुआ था और 1 जुलाई को ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो नेशनल डॉक्टर डे मनाने का मकसद ये है कि हम उनके इमेंस कंट्रीब्यूशन को ऑनर कर सकें। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा कि डॉक्टर रॉय के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। डॉक्टर रॉय सर्व्ड एज अ फिजिशियन टू महात्मा गांधी जी और उसके बाद वो सेकेंड CM ऑफ वेस्ट बंगाल बने थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ फिजिशियन एंड उनका बहुत ही ज़्यादा इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी के मेडिकल फील्ड को डेवलप करने में। दोस्तों डॉक्टर रॉय का बर्थ हुआ था पटना बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में 1882 में। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से कंप्लीट की थी पर उन्हें मेडिसिन में बड़ी रुचि थी, तो उन्होंने उसके बाद में मेडिसिन में अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से पूरी की। उसके बाद वो फिर लंदन गए, अब्रॉड गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी मेडिकल फील्ड में। एक 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था ये आज़ादी है डर से, इग्नोरेंस से, फ्रस्ट्रेशन से, उसमें तुम सभी सिपाही हो देश के, इसलिए मेहनत करो, देश को सर्विस दो, आगे बढ़ो आशा और हिम्मत के साथ। दोस्तों उन्होंने हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें से कुछ का नाम है जादवपुर TB हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन एंड चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल। उनके इन्हीं इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण उन्हें 1961 में भारत रत्न भी दिया गया। तो दोस्तों आज जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे है तो उस पर मैं बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में बहुत ही अहम है और ये हम प्रेजेंट सिचुएशन में भी देख चुके हैं। जो हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसमें तो हम बखूबी देख चुके हैं। दोस्तों आज नेशनल डॉक्टर्स डे पे पूरा भारत हमारे डॉक्टर्स को सुपर हीरो के नाम से बुला रहा है, और क्योंकि सब जानते हैं कि डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना पेशेंट का इलाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो लेकिन साथ के साथ हमें ये भी पता है कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव जो इंडिया ने एनकाउंटर की है वो बहुत ही ख़तरनाक थी और उसमें हमने ना जाने कितने डॉक्टर्स को खोया है। हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड वेव में हमने लगभग 650 डॉक्टर को खोया है, फर्स्ट वेव में 753 डॉक्टर्स को खोया है। मेरी उन्हीं सभी डॉक्टर को हाथ जोड़कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और मैं इस दिन को एक कविता के थ्रू व्यक्त करना चाहूँगी। हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, बिना नाम जात धर्म पूछे हाथ मदद का बढ़ाता हूँ। त्यौहार हो, रविवार हो, दिन हो या रात हो, फिर भी हम डट के खड़े हैं। तुम्हें दुनिया में लाने वाली माँ थी, तुम्हें दुनिया में लाने वाली माँ थी, संग मैं भी खड़ा था तुम्हारी जिंदगी और मौत में, बीच में न जाने कितनी बार अड़ा था। जब तुम्हारे लिए जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ा था, जब अपने परिवार से दूर था, तब मैं तुम्हारे लिए डट के खड़ा था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार दुआ करता था, मेरा परिवार भी तो मेरे लिए दुआ करता था, तब भी मैं यमराज से तुम्हारे लिए लड़ा था, तुम्हारे लिए हमेशा मैं डट के खड़ा था। दिल में बस एक ही जज्बा था, कैसे बचाऊं तुम्हारी जान, कैसे लौटाऊं किसी परिवार की खुशियां, तब मेरा परिवार भी तो मुझसे दूर खड़ा था।
त्यौहार हो, रविवार हो, दिन हो या रात हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा डट के खड़ा था। जब तुमने मुझ पर पत्थर बरसाए थे, जब तुमने मुझ पे लाठियां चलाई थी, मेरे परिवार पे और मुझ पे जब तुमने उंगली उठाई थी, अरे मूर्खो, तब भी तो मैं कोरोना वार्ड में था, तुम्हारी सेवा के लिए खड़ा था। त्योहार हो, रविवार हो, दिन हो या रात हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा डट के खड़ा था। उन सभी डॉक्टर्स को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।